हमारा महान श्री गुरु ग्रंथ साहब लोगों को निस्वार्थ सेवा करना सिखाता है, समाज से जुड़ना सिखाता है और उन सबको बराबर का सम्मान देना सिखाता है। पूरे देश में सिख धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जैसे कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब उत्तराखंड, गुरुद्वारा श्री पौंटा साहब और गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहब हिमाचल प्रदेश, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब। इन सभी धार्मिक स्थलों की आस्था और मान्यता को देखते हुए पूरे विश्व भर से हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दर्शन योजना के माध्यम से सिख सर्किट भी शुरू किया जाए, जिसमें हर राज्य में सिख धार्मिक स्थलों का विकास करके भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण हो, ताकि इन सभी धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। धन्यवाद। मैं इस सदन के सामने दुनिया भर के 3 करोड़ सिख व अन्य करोड़ों अन्य श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़े एक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत सरकार टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, जिसमें एक योजना है स्वदेश दर्शन, जिसमें 5200 करोड़ की कीमत से 76 प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। इस योजना में पूरे देश में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित धार्मिक स्थलों को आइडेंटिफाई करके सर्किट के माध्यम से अलग अलग राज्यों में विकसित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही गुवाहाटी में शक्तिपीठ कामाख्या देवी जी के मंदिर की डेवलपमेंट के लिए भी 500 करोड़ रुपए का लागत से बनने वाला शिलान्यास रखा, जिसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। मैं पंजाब से आता हूं। जो श्री गुरु नानक देव जी, श्री गोविंद सिंह जी और हमारे अन्य सिख गुरुओं की पवित्र धरती है, इन सभी गुरुओं ने दुनिया को मानवता, धर्मनिरपेक्षता और एक ओंकार का पाठ पढ़ाया है। हमारा महान श्री गुरु ग्रंथ साहब लोगों को निस्वार्थ सेवा करना सिखाता है, समाज से जुड़ना सिखाता है और उन सबको बराबर का सम्मान देना सिखाता है। सिख धर्म के 5 तख्त हैं, श्री अकाल साहब अमृतसर, श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब, श्री दमदबा साहब तलवंडी साहबो, श्री पटना साहब पटना और श्री हजूर साहब महाराष्ट्र के नंदेड़ में स्थित है। इसके अलावा पूरे देश में सिख धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जैसे कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब उत्तराखंड, गुरुद्वारा श्री पौंटा साहब और गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहब हिमाचल प्रदेश, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब। इन सभी धार्मिक स्थलों की आस्था और मान्यता को देखते हुए पूरे विश्व भर से हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने सिख सर्किट के लिए एक ट्रेन भी शुरू कर दी है। अब मेरी मांग है कि स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से सिख सर्किट भी शुरू किया जाए, जिसमें हर राज्य में सिख धार्मिक स्थलों का विकास करके भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण हो, ताकि इन सभी धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। इन सभी स्थलों को आपस में व मेट्रो सिटी से रेल, रोड, एयर के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि सभी श्रद्धालुओं को जो पूरे देश से दुनिया से आते हैं, इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का लाभ मिल सके। धन्यवाद।